वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल कुकिंग। आज मैं आपको वेजिटेबल दम बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। और वेजिटेबल दम बिरयानी के लिए सबसे पहले हम राइस को बॉईल करेंगे। और राइस को मैंने आधा घंटा पहले धोकर अच्छा से भिगो के रख दिया था। अब मैं इसका पानी स्ट्रेन करूंगी। और इसके लिए जो मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, जीरा और काली मिर्च और नमक और घी मैंने डाल दिया था पतीले में। अब मैं राइस बनाऊंगी। मैंने पहले सबसे इसमें घी डाला है। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। अब जब घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद दो लौंग, दालचीनी, खड़ी इलायची, दो काली मिर्च और इसको सौटे करते हैं। जीरा और ये खड़ी सारी खड़े मसाले सौटे हो चुके हैं। अब इसमें हम राइस डालेंगे। राइस मैंने दो कटोरी लिए थे और अब मैं इसमें दो कटोरी के हिसाब से चार कटोरी पानी डालूंगी और सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट एक चम्मच डालूंगी मैं इसमें। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब ये पानी को बॉईल आने देते हैं। फिर हम इसको सिम पर 5 से 10 मिनट तक ढक के रखेंगे। और जैसे ही हमारा चावल इसमें गल जाएगा हम पानी स्ट्रेन कर देंगे। इसमें बॉईल आ चुका है और मैं इसको सिम पर पकाऊंगी। चावल का दाना पक जाएगा। अब मैं इसको पहले ढक के रखूंगी और फिर चेक कर लेंगे दाना पका के नहीं। 5-10 मिनट बाद चेक कर लेंगे। हमारा चावल का दाना पक चुका है। ये हाथ से टूट रहा है। इसको ज़्यादा अभी और नहीं पकाना क्योंकि ये फिर हम वेजिटेबल दम बिरयानी पकाएंगे तो उसमें दम पे बाकी का पकेगा। अभी सिर्फ दाना टूट रहा है, उतना ही करना है। अब इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। अब हमने इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चावल स्ट्रेन हो चुके हैं। अब बिरयानी बनाने का नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब मैंने वेजीज, गोभी, फ्रेंच बीन्स, मटर और कैरेट्स ये सब कट कर लिया है। अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप करूँगी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और घी के साथ हम थोड़ा सा बटर भी डालेंगे। बटर डालने के बाद 2-3 काजू डालेंगे, जीरा डालेंगे। जीरा को क्रैकल होने देते हैं। बे लीफ डालेंगे, हल्दी डालेंगे, सॉल्ट, मिर्ची डालेंगे और अब इसमें वेजीज डालेंगे। वेजीज को सॉटे करेंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इसमें दही डालेंगे। और अब इसको पकने देंगे। जब ये सब्जियां थोड़ी सी गल जाएंगी फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। भीगी मिर्च भी डालेंगे कलर के लिए। और अब इसे ढककर रख देंगे पकने के लिए। अब इसको ढककर पकने देंगे। हमारी सब्जियां थोड़ी सी गल चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर चावल की लेयर डालेंगे। चावल की लेयर डालने के बाद हम इसमें केसर का घोल डालेंगे। हमने इसमें केसर में थोड़ा सा गरम दूध मिला दिया था तो अब इसमें
इसकी लेयर इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसमें पनीर के पीसेस मैंने कर लिए थे वो डालेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी वेजीज। और अब इसमें चावल के लिए दोबारा रखेंगे। इसमें सेकंड लेयर करती है राइस की। अब इसके बाद इसमें दोबारा से केसर का 3-4 चम्मच घोल इसमें डालेंगे। और अब फिर से हम इसमें वेजीज डालेंगे। सारी वेजीज इसमें डाल देंगे और पनीर जो हमारे रिमेनिंग पीसेस हैं, जो बचे हुए हैं पीसेस, वो हम इसके ऊपर पनीर के ऊपर डाल पनीर डाल देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। और फिर से हम लास्ट लेयर इसकी चावलों की हम फिर डालेंगे। अब इसको फैलाने के बाद जो हम लास्ट में फिर से हम इसमें केसर का घोल डालेंगे। और अब इसको फॉइल पेपर इसमें लगा देंगे और फॉइल पेपर इसके चारों तरफ कोने में ऐसे ऐसे कढ़ाई को ढक देंगे। और इसके बाद हम इसे ढक्कन लगाएंगे और अब इसे 10 से 15 मिनट दम पर पकने देंगे। हमारा ये दम पर पक रहा है, हम इसकी लास्ट लेयर बनाएंगे। मैंने एक पैन लिया है जिसमें घी डाला है। घी डालने के बाद थोड़े से हींग डालिए। हींग डालने के बाद हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। टमाटर प्यूरी में मिर्च, टेगी मिर्च, हल्का सा नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, सौंठ पाउडर, लास्ट में बिरयानी मसाला। अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे। टमाटर को सारे मसाले उसमें अच्छे से भुने, 5-6 मिनट इसको अच्छे से भुनेंगे। अब ये मसाला अच्छे से भुन चुका है। ये लेयर, लास्ट लेयर हम इस पे डालेंगे मसाले की। इसको अच्छे से फैला देंगे। हमने मसाला इसमें फैला लिया है। अब थोड़ी सी सब्जियां हम इसके ऊपर साइडों में और डालेंगे। इसको हम फिर से ढक देंगे। और अब सिर्फ 5, इस जगह पे आप फ्राइड अनियंस भी साथ में डाल सकते हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी और 5-7 मिनट्स पकने दूंगी, फिर हमारी वेजिटेबल दम बिरयानी एकदम रेडी हो जाएगी। हमारी वेजिटेबल दम बिरयानी एकदम रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब हमारी वेजिटेबल दम बिरयानी रेडी है। इसकी खुशबू भी बहुत लाजवाब आई है और दिखने में भी ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप भी मेरे रेसिपी को फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियोस को बहुत सारे लाइक्स देना। थैंक यू सो मच।